मेरा कर दिया वो अपडेट, मेरा उसका कर दिया ना। अरे यार मिशिमा लिया था पहला डेविलजिन लिया था ना मैंने। अच्छा मैंने क्या लिया था, मैंने डेविलजिन लिया था, उससे हार के पहला मैच जीतने वाला था। हाँ अच्छी मेरा मेन है वो लिया यार। मेरा ना एक्चुअली थोड़ा सा मेरा ना हाथ बैठा नहीं है कंट्रोलर, मेरा जैसे जो मेरा वाला कंट्रोलर है ना मैं उसका यूज़ करता हूँ वो कन्वर्टर, तो कन्वर्टर बेसिकली थोड़ा लैग। और हम लोग याद देख रहे हैं अगला मैच विनर्स ब्रैकेट का, फैंकिंग वर्सेस इनफ प्रैक्टिस। बहुत हो गई प्रैक्टिस, इनफ प्रैक्टिस, इनफ प्रैक्टिस ने लिया नीना और फैंकिंग डसने वाले फैंग ले लिया। और कीज अवार्ड की स्टेज हॉवर्ड स्टेट, देखते हैं सबसे पहला दीवार यहां कौन फोड़ता है, नीना भाभी तोड़ती है या फैंग तोड़ता है। फैंग मेरे ख्याल से फेंग ये थोड़ा टफ है बिकॉज इनका भी थोड़ा कॉम्पिटिटिव थोड़ा रहता है, तो एक ही स्टेट के प्लेयर्स हैं तो ये बहुत अच्छा रोमांचक मैच देखने वाला को मिलेगा हमें। गेम का साउंड है वो अंदर है ना, हो रहा है ना देखो, इसमें साउंड नहीं आ रहा। एडी और एफजे भी नेक्स्ट, एडी और एफजे साउंड नहीं आ रहा, मतलब इसमें ये साउंड नहीं आ रहा, मतलब हम लोग साउंड बंद हो गया। हाँ ऑन कर दो जिससे कि स्ट्रीम में भी आए। अरे यार ये तो गलत हो गया। और इनफ प्रैक्टिस ने पहला राउंड निकाल लिया है। फेंग और नीना के पास दोनों के पास ही एक क्राउच डैश है QCF, उसी का इस्तेमाल करके इन्हें खेलना होता है, स्नेक डैश करना पड़ता है। और नीना का एक स्पेशल बैक QCB भी है, हायर शीटा स्टेप कहते हैं उसे, QCB कैंसिल। और मिठाई को डक नहीं किया, सोचा कि सेफ रहेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न कॉम्बो मिल सकता था, पर इन्होंने कंधा ना मार के 1-2 करके फिर कंधा मारने की कोशिश की, और जो कि पूरा गारंटीड नहीं था। 1-2 लगा और फिर रिकवर हुए। बहुत टाइम से नहीं आया मुझे, फिर यार ऐसे हमारी आवाज ही जा रही है, सिर्फ हमारी आवाज आएगी सर। गेम का साउंड ले भी रहा है कि नहीं कंप्यूटर बता नहीं। अरे इन्होंने हेडफोन लगा लिए, ठीक है क्या कर सकते हैं, वो भी जरूरी है ना, उनका वो ज्यादा जरूरी है जो खेल रहे हैं उनका साउंड ज्यादा। वो और ये स्नेक डैश करने की कोशिश, पर स्नेक डैश से थोड़ा महंगा पड़ गया, इंटरप्ट किया साइड स्टेप 1। और ये कितना हो गया, स्कोर हो गया 1-0 से। इनफ प्रैक्टिस थोड़ा आगे हैं और फैंकिंग को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को लूजर्स में जाने से बचाने के लिए। एक गेम और फैंकिंग लूजर्स में। विनर्स ब्रैकेट्स का यही चक्कर होता है कि आप अगर एक बार भी हार गए तो आप सीधे लूजर्स में जाते हैं, और फिर आप एक बार भी लूजर्स में हारते हैं आप सीधे घर जाते हैं, तो इसे कहते हैं डबल एलिमिनेशन। तो आप दो बार अफोर्ड नहीं कर सकते हारना इस टाइप के नॉकआउट टूर्नामेंट्स में। बिल्कुल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होगा बिकॉज यहाँ पर फैंकिंग को कोई ना कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ आना पड़ेगा, बहुत ही क्रूशियल मैच है। लेट्स गो। और हायर शीटा स्टेप के थोड़े हमें मुजाहरा देखने को मिल रहा है। डाउन बैक 1-2 से टेस्ट किया क्या वो डक करेंगे, नहीं किया बैट। और ये तगड़ा लॉन्चर और वॉल पे भर दिया है, और फेंग पे होना से कि वो यहाँ से गेम निकाले। और 700 एक्शर परफेक्ट। आई थिंक थोड़ा फैंकिंग मोमेंटम थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर उनसे बन नहीं पा रहा है, क्योंकि नीना बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पोकिंग कैरेक्टर है जो आपके मूव्स इवेट करती है, करवाती है आपसे। तो फैंकिंग यहाँ पर थोड़ा कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बेट कराने के लिए मेरे ख्याल से। बहुत ही कहते यहाँ अच्छा हायर शीटा स्टेप देखने को मिला, क्या ये दीवार फूटेगी, यहाँ फूट गई, पहली दीवार फूट गई। ओके बहुत ही अनसेफ ऑप्शन, बट
he managed to get away with it. लेकिन ज़्यादा 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 देर तक नहीं फेंग फेंग किंग थोड़ा वापसी की उम्मीद यहाँ थोड़ा रिस्की के लिए डक किया क्राउच कैंसिल करके बचने की कोशिश पर डक ही कर गए और मिड खा गए और वो मिड लॉन्चर था दीवार पे ऑलमोस्ट आधी लाइफ खत्म होते हुए फेंग किंग की इन अ प्रैक्टिस लगातार प्रेशर की बनाए हुए हैं हाई शीटा स्टेप स्नेक डैश करते हुए और इवन स्टीवन हो सकता है अच्छा प्रेशर फेंग का और ये लो क्रश हो गया अप फॉर वन मूव से जो कि लॉन्चर है नीना का हेड स्टॉम प्रेशर फॉर फॉर टू प्रेशर रनिंग थ्री बिफोर और ये रेज ड्राइव बहुत ही सेफ ऑप्शन नीना ने सेफ ऑप्शन से मुझे याद है नीना के पास बहुत सारे पोक्स सेफ हैं बहुत सारे बड़े बड़े मूव सेफ हैं बहुत सारे लॉन्चर सेफ हैं इसलिए ये मैचअप थोड़ा सा एक जीतना फेंकिंग के लिए अब यहाँ से थोड़ा अपहिल टास्क होगा मतलब ऊंचा पहाड़ चढ़ने जैसा होगा बिल्कुल फैंकी को यहाँ पे कुछ ना कुछ मैजिक करना पड़ेगा अदरवाइज गेम टोटली इनफ प्रैक्टिस के फेवर में है बहुत ही बढ़िया बेट बहुत बढ़िया जाल बिछाया सेफ रह गए और ये दीवार फोड़ के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और ये रिजार्ट चला दी क्या देखना होगा कि क्या ये सेफ ऑप्शन था बिकॉज री ड्राइव पे उनको इतना रिवॉर्ड नहीं मिलता और 1 एचपी की हेल्थ विफ हुआ वाइस स्टैंडिंग फोर ना मार के मेंटल एडवांटेज लेके अलग से एक डाउन बैक फोर जेनरिक लो मार के एंड किया मैच काटेगा फेंग का प्रेशर हेडबट प्रेशर अच्छा साइड स्टेप बढ़िया कैंपो स्टेप बैक कैंपो स्टेप बढ़िया क्राउच से आके वाइस स्टैंडिंग वन फेंग के कैंपो स्टेप को थोड़ा अनसे बना दिया सीजन टू ने थोड़ा उसको नर्फ कर दिया गया बैक कैंपो स्टेप को क्या कनेक्ट होगी और हाँ कनेक्ट होगी और जैसा कि हम कह रहे थे ऐसा ही हमें अच्छा लगता है देखने को जब बराबरी का टक्कर हो और ये फेंकिंग और इन अ प्रैक्टिस एक एक की बराबरी पर स्पिनर्स ब्रैकेट्स के इस मैच में और ये आखिरी मैच बहुत ही मैंने आपको जैसे बताया कि वो एक बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी से निकले हैं और उन्होंने कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी लेके आया है वो एंड मैच में बिकॉज वो क्लच मोमेंट जहाँ पे अगर आप मोमेंटम खो दो तो फिर आपको बहुत मुश्किल होता है वहाँ से रिकवर करना मोमेंटम से ज़्यादा ये इनर प्रैक्टिस बहुत ही सड़ासट जल्दी जल्दी मूवमेंट कर रहे थे तो इनको काटने के लिए फेंग को कुछ अच्छा वो बेट बहुत ही काम आया वो जो बैक टर्न बेट था वहाँ से गेम बदला मेरे ख्याल से फेंग किंग के लिए सेफ मूव डाउन बैक टू और ये ठीक ठाक फ्लोट नहीं मिला इन्हें टिक्का ऑफ एक्सिक्स फ्लोट मिला लॉन्चर मिला इस बार फेंग को सीधे दीवार फोड़ी इन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया कोई एक्स्ट्रा जैब्स मारने की कोशिश नहीं और ये डीले टू को बहुत ही अच्छा साइड स्टेप मैंने विफ की विफ पनिश किया बैक फोर फिश हुक डक जैब बाय शटिंग वन ओ डाउन फोर क्यूसीबी फोर से पनिश कर दिया डाउन फोर विफ हो गया था बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इन्होंने विकल्प चुना क्यूसीबी फोर एक लीना का बहुत अच्छा इवेसिव मूव है जो कि हालांकि पनिशेबल है पर वो डाउन फोर को विफ कराने के लिए काफ़ी था फेंग के पैर बहुत छोटे छोटे हैं एक्चुअली में फेंग थोड़ा सा इस टाइम सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा और ये बहुत नाइस लो पैरी इसी के साथ नाइस कन्वर्जन और ये बहुत अच्छा बॉल कैरी होते रह गया और कमांड ग्रैब बी अवे तो ये नीना की मैं आपको यही बात बता रहा था कि जो उसका इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो कहीं हाई को अवेट कर देती है तो ओपोनेंट को यहाँ पर थोड़ा सेफ चलना पड़ेगा कौन सा हाई मूव मारना है कब हाई मूव मारना है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्हें कॉशियस खेलना पड़ेगा बहुत ही सावधानी से खेलना पड़ेगा ऐसे कोई मूव नहीं चला सकते और ये नीना का प्रेशर बहुत बढ़िया साइड स्टेप 1-2-2 और साइड स्टेप डाउन टू से इन्होंने पोक करके गेम निकाल दिया इन्हें प्रैक्टिस ने और नीना हावी होती हुई बैक वन से मोमेंटम शिफ्ट करने की कोशिश बैक वन काउंटर कंधा फॉलो अप डाउन बैक थ्री हालांकि पनिशेबल लो है लेकिन अच्छा पोक भी है फेंग का लॉन्ग रेंज पोक और ये अंदर डाउन फॉर टू और
उसकी झुंझलाहट साफ देखने को मिलती हुई यहाँ पर फैंकिंग के चेहरे के द्वारा। और ये डेस्परेट रेस ड्राइव एक बार, ओ इस पे कंधा था पर लैग हो गया। ये बहुत ही अच्छा मैच, इनफ प्रैक्टिस टू और फैंकिंग वन।